तो आज हम बनाएंगे क्रिस्पी और टेस्टी साबूदाने के वड़े। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें पूरी रेसिपी के लिए। और आपको इस आवाज़ से पता चल रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं, आप सुन सकते हैं। साबूदाना के वड़े बनाने के लिए पहले हमें पीनट्स अच्छे से रोस्ट कर देने हैं, बाद में वो ठंडे हो जाए, बाद में इसका छिलका उतार देना है। तो हल्के हल्के से इसका सारा छिलका हम उतार देंगे। छिलका हमने उतार दिया है, आप देख सकते हैं। और ये है साबूदाने जो हमने 5-6 घंटे भिगो दिए थे अच्छे से। तो ये ऐसे अलग अलग हो जाने चाहिए, और ऐसे मैश करते हैं तो मैश हो जाने चाहिए, इस तरह से भिगो देने हैं। और ये ले लिए हमने बॉइल्ड आलू जो हमने छिलका उतार के बॉइल कर लिए हैं। अभी इसमें बारी बारी करके इसको आलू को मैश करके साबूदाने के साथ मिक्स करते जाएंगे हम। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट। पीनट्स के छिलके भी हमने अच्छे से उतार दिए हैं, आप देख सकते हैं। अभी इसको मिक्सचर जार में डाल के दरदरा हम पीस लेंगे। दरदरा पीसना है, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। तो ये हमने दरदरा पीस दिया है, थोड़े थोड़े दाने रहने चाहिए। तो ये हम डाल देंगे, जितना लगेगा उतना हम डालेंगे। ये हमने थोड़ा ज़्यादा पीसा है इसलिए। और बाद में डाल देंगे अदरक और मिर्ची की पेस्ट जो हमने पेस्ट बनाई थी वो। और ये बाद में डाल देंगे हरा धनिया, तो अच्छा लगेगा देखने में भी। तो ये हमने डाल दिया है हरा धनिया, और डाल देंगे आधा जीरा आता है वो। और बाद में डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाला है, थोड़ा सा ही डाला है। और बाद में स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। अभी इसमें दो लेमन का रस नीचे देंगे, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है इसलिए। अभी लेमन भी अच्छे नहीं आ रहे इसलिए दो चले गए थे इसमें। तो ये कर लेते हैं पहले, और बाद में डाल देंगे हम तिल। तो ये हमने तिल डाल दिया है। अभी इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे हाथ की मदद से। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं पहले। अभी इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे, आप देख सकते हैं। साबूदाना और आलू को अच्छे से मिक्स कर देंगे, एक रस कर देंगे इसको। और बाद में थोड़ा सा ऑयल वाला हाथ ग्रीस करके हम इसकी टिक्की तैयार कर देंगे इस तरीके से। तो सारी टिक्की टर्न बाय टर्न इस तरीके से हम बना के रेडी कर देंगे। बाद में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे तलते जाएंगे। तो पहले ये टिक्की सब भी तैयार कर देंगे। बाद में अभी तेल रख दिया है, और तेल में डाल के हम तल लेंगे। डीप फ्राई करना होता है, सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, पर इसमें ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेगा, डीप फ्राई में ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो ये उलट पलट करके हम अच्छे से फ्राई कर देंगे। पहले थोड़ा सा पक जाए, बाद में इसको टर्न करना है, वरना वो साबूदाना है तो टूट सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा सॉफ्टली हैंडल करना है इसको। तो पहले अच्छे से एक साइड पक जाए, बाद में ही उसको पलटना है। यहाँ पे हमारे वड़े हो चुके हैं रेडी, आप आवाज़ सुन सकते हैं, आपको सुनाती हूँ आवाज़। पहले एक उठा लेते हैं और आप आवाज़ सुनिए कितने क्रिस्पी बने हैं।